हाँ तो बच्चों, दूसरे पाठ के आगे चलते हैं हम लोग। वह बदल गया, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन स्कूल में काफ़ी भीड़ थी। आकाश अपने स्कूल गया, खेल की वार्षिक प्रतियोगिता हो रही थी। उस दिन स्कूल में काफ़ी भीड़ थी, बच्चों के माता पिता भी आए थे। फोटोग्राफर की भी व्यवस्था की गई थी। विजेता की फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपनी थी। आकाश को बड़ी अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे, तो उसको काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो पता था कि वो खेल में जीतेगा, दौड़ में प्रथम आएगा और उसकी फ़ोटो इस बार भी स्कूल प्रतियोगिता में छपेगी। नियत समय पर दौड़ शुरू हुई। आकाश सबसे आगे था। उसके मित्र उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही असद उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर अभ्यास न होने के कारण उसकी सांस फूलने लगी। वह पिछड़ गया और तीसरे नंबर पर रह गया। आकाश का मुंह उतर गया। उसे अपनी हार का बड़ा दुख हुआ। सब असद को बधाई दे रहे थे, यार असद तू तो कमाल कर दिए। दौड़ में आकाश को हराना कोई आसान नहीं है, यह तूने कैसे किया। असद बहुत खुश था। वह बोला, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पता है, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर मैदान में दौड़ने का अभ्यास करता था। मैंने मन में ठान ली थी कि इस बार की दौड़ प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा। मैंने पूरे लगन से अभ्यास किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। आकाश खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने भी आगे बढ़कर असद को बधाई दी और घर लौट आया, तो उसको अपने भूल का पता चल गया। किसको? आकाश को। उसने बधाई भले दी, लेकिन उसे पता चल गया कि अभ्यास न करने के कारण वह दौड़ में हार गया है। अगले दिन माँ आकाश को उठाने गई तो आकाश बिस्तर पर था ही नहीं। वह तो नहा धोकर स्कूल की वर्दी पहन तैयार खड़ा था। माँ ने मुस्कुराते हुए आकाश की गाल थपथपा दी। अब आकाश कभी देर से स्कूल नहीं पहुँचता। उसका बस्ता पहले से तैयार होता है और काम हमेशा पूरा। अध्यापक भी उससे खुश रहते हैं। वह बदल गया है। तो ये हमारी कहानी थी। इसमें आकाश के बदलाव के बारे में बताया गया है। उसको अपनी बुरी आदतों से सबक मिल गया। अब वह समय पर उठता था, किसी काम को टालता नहीं था। तो इससे इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अब समय पर काम करना चाहिए, और कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो, या कोई भी अन्य कला की कोई भी चीज़ हो, अभ्यास सबके लिए ज़रूरी है। बिना अभ्यास के हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। तो इस पाठ के हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। ढापना, ढक लेना, वार्षिक, सालाना, प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतिभागी, भाग लेने वाले। तो असद आकाश का क्या था? प्रतिभागी था, वो आकाश के साथ दौड़ा था। आवश्यक, जरूरी, उत्साहित, उमंग से भरकर, उमंग में भरकर, प्रातः, सवेरे, आनाकानी, अनसुनी, विश्वास, यकीन, व्यवस्था, इंतजाम, विजेता, जीतने वाला, अभिलाषा, इच्छा, मुंह उतरना, एक मुहावरा है उसका अर्थ होता है उदास हो जाना, ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना, परिणाम, नतीजा। तो ये हमारा पाठ हो गया। एक बार इसका पठन अभ्यास तुम जरूर करना, और हम इंटरैक्टिव सेशन में जो जूम मीटिंग के थ्रू होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा पाठ।